भिवानी के गांव गोविंदपुरा में दो नाबालिग बच्चों की बेरहमी से पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। डंडों से पीटे गए बच्चों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित बच्चों व परिजनों का आरोप है कि गांव के ही तीन युवकों ने तस्करी के लिए गाय न पकड़वाने पर बेरहमी से पिटाई की। हालांकि मामला मोबाइल चोरी का भी बताया जा रहा है। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए आए ये दो नाबालिग बच्चे गांव गोविंदपुरा के हैं। इनकी पीठ पर चोट के गंभीर निशान बताते हैं कि किसी ने इनकी बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की गई है। पीठ पर उभय ये चोट के निशान अपने आप में गवाह है कि इनकी पिटाई इन्हें बच्चे समझकर नहीं बल्कि जानवरों की तरह पीटा गया है। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी देकर पर्चा दर्ज करवाया गया है और पीड़ित बच्चों का उपचार करवाया जा रहा है। पीड़ित 15 वर्षीय पंकज व 13 वर्षीय दीपक का आरोप है कि गांव के ही कुछ युवक उन्हें खेतों से पानी लाने के नाम पर अपने ट्रैक्टर में बैठाकर ले गए। दोनों बच्चों का आरोप है कि खेतों में पानी की बजाय उनसे गाय पकड़ने के लिए कहा और मना करने पर दोनों को कस्सी के बिंदे से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वहीं पंकज के दादा साधुराम व दादी कृष्णा देवी ने बताया कि दोपहर के समय जब पंकज चाय के समय घर नहीं था तो वो उसे ढूंढ रहे थे। तभी पता चला कि पंकज व पड़ोस के एक दीपक नामक बच्चों को एक घर में बंद किया हुआ है। उन्होंने बताया कि जब दोनों को अपने घर लाकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गाय न पकड़ने पर उन्हें पीटा गया है और फिर घर पर लाकर बंद कर दिया। गांव के सरपंच प्रतिनिधि बीर सिंह ने भी पूरे मामले को गलत बताया और कहा है कि इस कदर पिटाई तो कोई दुष्ट इंसान भी नहीं करता। साथ ही उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है तो वो इस मामले को ऊपर तक लेकर जाएंगे और बच्चों को न्याय दिलवाएंगे। दीपक कहाँ के रहने वाले हो? गोविंदपुरा के। क्या हुआ था, क्या करते, किसलिए मारे आप लोगों के? गा खतर बुलान खतर ले गए थे घर से पकड़ के, ट्रैक्टर में बिठा लिए, फिर उड़े मारने लगे डंडे के, मामी मारते गा कौन पकड़ के दी। कहाँ थे गायें? खेतों में गाय वो पकड़ने आए थे क्या? हाँ, गाय उनकी थी या वैसे पकड़ने आए? वैसे उनकी गाय नहीं थी, बेचने के लिए। कितने कितने जने थे जिन्होंने मारा आपको? तीन चार जने थे। किससे मारा? डंडे से। पंकज कहाँ के रहने वाले हो? गोविंदपुरा। मारती मना कर दी, फिर गर्त पकड़ गर्त वासोरी बुला के लेगी और बंटी का ट्रैक्टर था और खेत में ले जाके पानी का पैन मारी मारा। कौन कौन थे उठा? सुंदर। कितने लोगों ने मारा आप लोगों? सुंदर और लाला। किसी से पिटा? कस्सी का बंडा था। सुंदर अलवास का और लाला लाला रपंटिया गोविंदपुरा के। बात सिर्फ यही थी गाय पकड़ने की। किस गई थी जी? हाँ, गई थी, दीपक को नहीं आया करने तो दो बार गई, मैं नाम को नहीं बताया ना, न्योरे को नहीं आया दीपक तो, फिर लाला नाट गया, मैंने लाला मार दीपक देखा, न्योरे मन तो कोई नहीं देखा दीपक, देखो तो करना रोकी बैठा रहे ब्राह्मण को दिए ना, फिर न्योरे उ दीपक आमना पैदी सा दीपक न तो कड्डी हिम्मत जी दीपक की। क्या नाम है आपका? मेरा कृष्णा। मेरा नाम साधुराम। क्या हुआ आपके पोतों? किस तरह लगी? मैं बताऊँ, घर तक बुला के लगे, मैं तो 4 बजे उठा चाय पी के दुकान पर उठा तो जिस दिन घर वो कट गए था तो उनकी तो वो जिद देखने गए तो यह गई थी देख के आई, मैं उड़े भालना धर्मशाला का नहीं खड़ा तो बोला जी उड़े तो कौन ही, एक बार नाट गया वो छोरा, फिर दोबारा जब गई घरा गई तो बोले वो सर उनकी छोरी बुला के लगी थी इन्होंने घर तक, फिर यह दोबारा गई तो भीतर बैठा रखे, फिर वो यह गई ना तो दुआई लगाऊ सुचा तो पी लेने ने पत्थर भालना जाके देखा तो जिस दिन ये डरा रखे तो बताऊं कौन मारा के भी ला कर ढक रखे जिस देखा जो पत्थर, फिर अमीन नबरन लेके आए मर के पत्थर उल्टी नू भी कहें कल ये वो कितने गा पकड़े थे कल तो इन्हें पकड़वाई कौनी तो वो बहाना लगा लो, फिर उल्टन बोले फोन मारा फोन लखो लेता हूँ हमने बताओ मालन का क्या हिसाब था फोन अरे हाँ ट्रैक्टर में बैठा के बाहर दे के गए इनको बोले पानी भर के लेना था ये चले गए पड़ोस में तो से साथ में उठा कर रखा उसका घर तो उड़े तो बैठा ले गया पानी के बहाने उड़े खेत में ले जाए मारे घर ने तो मार तो हर एक आदमी अंदर अंदर देखा है घर ने फिर कौन मारने देता हमने
उसका नाम बंत मारा सुभाष वास्का से सुंदर नाम बताऊं से उसका सरवण का भाई शेती था मरवाने में तो हाथ में उसका बंटी उनका सरवण का ऐसे जिद वो घर तक बैठाए साहब का ट्रैक्टर जाए से घूमने की शिकायत आपने अरे पुलिस को शिकायत पुलिस के भर्ती करे सही भाई सब पुलिस थी भाई साहब लेके आए समझता कुछ सूच बनवाई अपना नाम बता दो मेरा नाम वीर सिंह सरपंच गोविंदपुरा जी क्या जानकारी मिली आपको मेरे को पास फोन आया था अभी करीब एक घंटा पहले जो लड़का पीट रखे इसके दादाजी का साधु है इन्हें बताया भाई ये हमारे जो लड़के हैं ये एक 13 साल का है एक 15 साल का है इनके पड़ोस में एक राजपूत रहे शर्मन उसके 2-3 ट्रैक्टर हैं उसके ट्रैक्टर पे एक ड्राइवर रहे वाल्मीकि आलवास का छोरा तो नाम तो मन भी बन मेरा समारे का भाई पकड़ रहे थे कि तो मुसलमान वेकण खातर ये छोरे उनकी मदद खातर कौन गए ये बुला के ले गए थे चलो गाय पकड़ाई ये ले हम कौन जावा तो आज इन इसकी शर्मन की छोरी घर तो बुला लेगी मेरा भाई बोल रहा है उसका भाई का चक्कर में ये चल गया उनके घर ने उन्हें घर न जा बस उन धमका के न ट्रैक्टर पे बिठा के खेत में ले गए और खेत में ले जाकर डंडे तो बहुत बुरी तरह मारे हैं इन्हें कड़िया में 50-50 डंडे छप रहे हैं ईसा काम तो कोई दुष्ट आदमी भी नहीं कर सकता जैसा उनने कराया तो मारे गरीब आदमी इनके लिए न्याय चाहिए अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करता वहां बहुत ऊपर तक ही जावांगे इसमें बात ना हल्की नहीं पड़न दें ऐसा है जी कल की बात है ये कोई दो बच्चे हैं नाबालिग हैं दोनों ही एक 15 साल का एक 13 साल का लड़का है जी एक पंकज है 15 साल का है दीपक है 13 साल का है तो इनके चोट मारने की इतला मिली थी रुका ये हॉस्पिटल दाखिल हुए थे इनके बयान अंकित किए गए हैं जिसमें पंकज के बयान पर जो पर्चा अंकित किया गया है और पुलिस तफ्तीश जारी है और मुकदमा जमे आरोपियों की गिरफ्तारी बताया है कल शाम को भरसक प्रयत्न किए गए जो आरोपियों घर पर हाजिर नहीं मिल सके हैं बाकी कोशिश की जा रही है ऐसा है कि कोई मोबाइल चोरी का वो बता रहे हैं बाकी तो असली तो जो आरोपियों मिलने पर ही राज का पता लग पाएगा क्या मैटर उसमें क्या बात है किस वजह से चोटे मारी है ये तीन लोगों के खिलाफ दर्ज है